हेलो एवरीवन, इस कोर्स में हम गो प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे। गो प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा आज की दुनिया में डायनेमिक और स्टैटिकली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो आप इस लेक्चर में ये देखेंगे कि इस लैंग्वेज के द्वारा कोड को रीड करना कितना आसान हो जाता है, और इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। भले ही इसमें कुछ इनबिल्ट वेब सर्वर हमने शामिल किए हैं, और हाँ, वास्तव में मैं इसे कवर करने जा रहा हूँ, और मैंने बेसिकली इसे कवर करने का आज निर्णय लिया है क्योंकि यह आपको एक ऐप को काफ़ी आसान बनाने की अनुमति देता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं इस लैंग्वेज से रिलेटेड सभी बेसिक सिंटैक्स को भी कवर करूँगा, और मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि कैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसे इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है। इसके लिए बस आपको एक वेबसाइट पर जाना होता है जो है golang.org, और जब भी आप इसे /dl के साथ फाइंड करते हैं तो आपको ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए रीडायरेक्ट कर देता है। तो आपको बस यहाँ पर इसे इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करना होगा, और हमारे इस लेक्चर के मोस्ट ऑफ द पार्ट में हम बस बेसिक टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करेंगे और इसके साथ ही टर्मिनल को भी। तो अगर आप विंडोज़ पर कार्य कर रहे हैं तो आप कमांड लाइन का सहारा ले सकते हैं, और हमारे पास कई बेसिक टेक्स्ट एडिटर मौजूद हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर मेरा टर्मिनल है और हम यहाँ पर अपनी कमांड लाइन देंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ कोड टाइप करेंगे और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पर कोड करते हैं तो उससे रिलेटेड पैकेज डिक्लेरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें बस उन पैकेजेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पर टाइप करना होता है, और फिर इससे रिलेटेड सभी चीज़ें हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। हम उन कोड को आने वाले टाइम में रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं, और ये हमारी मेन सिचुएशन है क्योंकि इसी के द्वारा हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो अभी हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि किसी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें उससे रिलेटेड फॉर्मेट पैकेजेस को देखना होता है, और उन्हीं के द्वारा हम इन्हें फॉर्मेट करके हमारे दोनों इनपुट और आउटपुट चीज़ों के लिए इन्हें इंपोर्ट कर पाते हैं। और अगर आपको कोई यहाँ पर कमेंट देनी है तो उसके लिए आप दो फॉरवर्ड स्लैशेस को यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। सो जस्ट टाइप फॉरवर्ड स्लैश ऑन अ स्टार एंड द होल बंच ऑफ थिंग्स। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम कमेंट्स यहाँ पर देते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर मूव हो रहा हूँ, और मैं इस लैंग्वेज के स्पेसिफिक पार्ट पर जंप करता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। तो ये हमारे मेन फंक्शंस हैं जिसे हम एग्जीक्यूशन पर्पज़ पर यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन को ओपन अप करना है। तो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज़ करते हैं, और इन्हीं के अंदर हम अपने फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। और ऐसा करने के बाद हम अपने फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ फॉर्मेट पैकेजेस को यूज़ करेंगे। तो ये पैकेजेस यूज़ करने पर हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आउटपुट के रूप में हमारे स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। तो अभी हम शुरुआत में बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को यहाँ पर टाइप करेंगे, और आप ये देख सकेंगे कि कैसे हम इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे हम इन फाइल को सेव करने के लिए नेम और एक्सटेंशंस का यूज़ करेंगे। तो इसका एक्सटेंशन होता है JI-HO। सो यू जस्ट टाइप इन गो रन एंड वट एवर इन द नेम ऑफ योर गो प्रोग्राम इज़ हाउ यू कैन सी हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट एंड इट इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम अपने टर्मिनल पर जब भी हम गो डॉक से रिलेटेड कुछ भी टाइप करते हैं या फिर किसी पैकेज का नाम टाइप करते हैं तो हम उससे रिलेटेड फंक्शंस को भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इन सभी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हमारे लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है। तो अगर आप कोई करेक्टर टाइप करेंगे या फिर कोई नंबर या फिर अंडरस्कोर टाइप करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो ये बताता है कि हमने कौन से फंक्शंस को यूज़ किया है और हमने कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पर ऑपरेट किए हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हों। मतलब या तो वो स्टैटिकली टाइप किए गए होंगे या फिर वो डायनेमिकली। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि हम यहाँ पर इन चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बार जब वेरिएबल नेम क्रिएट हो जाता है तो उसे हमें प्रोग्रामिंग में कई जगहों पर यूज़ करना पड़ सकता है।